हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए, मैं चाय बना रही हूँ दोस्तों। गुड़ का चाय मैं अलग से दोस्तों ना अपने जो खाद बनाती हूँ उसमें गुड़ नहीं डालती। देखिए, इसमें अदरक और चाय पत्ती, अदरक ये सब खौला दी थी पानी। फिर इसके बाद देखिए ये गुड़ डाले हैं। गुड़ भी डाल के इसको अच्छे से, पहले अदरक, चाय पत्ती, पानी, इतना चीज़ पका लेना चाहिए, फिर गुड़ डाल देना चाहिए। गुड़ अपने आप गल जाता है दोस्तों। पहले हमें भी गुड़ का चाय बनाने नहीं आता था। अब इसमें जो देखिए दूध डालना है, तो दूध को हम, ये कल का दूध था दोस्तों, हल्का सा गर्म कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा खौलाए नहीं हैं, कल खौला के रखे थे तो गर्म कर लिए हैं एकदम, जिसे चाय होता है उस तरह से गर्म है। उससे हल्का भी गर्म रहेगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये तो गर्म एकदम है। तो इसे छानेंगे तो उसमें मिला के दूध जितना मिलाना होगा तो पिया जाएगा। तो मैं जब खाद बनाती हूँ दोस्तों, तो मेरे जो साग सब्जी का छिलका रहता है मैं छानती हूँ चाय, तो उसी में डाल देती हूँ। और ढक के रखने से चींटियाँ नहीं लगती, या किसी ऊपर चीज़ में, जैसे आप खाद बना रहे हैं तो ऊपर रखिए, नीचे रखने से चींटियाँ लगती हैं। हमारे जो खुला रहता है उसमें चींटियाँ पड़ जाती हैं, लेकिन चींटियाँ कुछ नुकसान नहीं करती दोस्तों। और ये बनाने जा रहे हैं घुघरी, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में है, बेटी है वहाँ पे देख रही है। चाय और पपीते का जूस अभी भेजेंगे सुबह सुबह। हमारी बड़ी बेटी का देवर है, वही रास्ते में उनका घर है, तो आएंगे लेके जाएंगे। देखिए कब तक एडमिट रहते हैं, घर पे नहीं इलाज होगा अच्छे से दोस्तों। इसमें जा रहे हैं हल्का सा तेल डाल के, लहसुन उसुन डाल के बना देंगे। भेज दिए थे ज़्यादा, मिस्त्री लगने वाले थे, घर पे काम होना था, जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो कैंसिल हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।